So, आज की वीडियो में बात करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में, इंग्लिश लैंग्वेज में प्रपोजिशन। सो देखिए प्रपोजिशन क्या होता है, हम पहले बात करेंगे, पूरा कंसेप्ट कराएंगे आपको प्रपोजिशन में, पर ये खाली उन कंसेप्ट पे ध्यान देंगे जिस पे आपको प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, बचपन से क्या प्रपोजिशन, पहले आपको जहाँ प्रॉब्लम होता है वही कंसेप्ट यहाँ पे लेंगे। सो पहले आता है यार यूज ऑन का। ठीक है, ऑन का यूज क्या होता है, किसी चीज के सरफेस को दिखाने के लिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल लेते हैं, द बुक इज डैश द टेबल। बुक कहाँ पे होगी, कहाँ पे होगी, आप लोग बताए, ऑन द टेबल। ठीक है, ऑन का यूज क्या होगा, किसी सरफेस को दिखाने के, आंसर क्या होगा, द बुक इज ऑन द टेबल। अगला देखते हैं, द बुक इज डैश माई डेस्क। डेस्क क्या है, कोई सरफेस और उसके ऊपर वो चीज रखी है, तो क्या लगा देंगे, ऑन लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, ही इज डैश द बस स्टॉप। क्या बस स्टॉप एक सरफेस है, नहीं, बस स्टॉप एक सरफेस नहीं है, तो उसमें और नहीं लगेगा, तो क्या लगेगा, इसमें लगेगा इन, क्योंकि इनका क्या कंसेप्ट है, इनका कंसेप्ट है वो बस स्टॉप है ऐसे ढका हुआ है, तो क्या लगा देंगे, इन लगा देंगे। उसके बाद आइए प्रीपोजिशन ऑफ टाइम पे। प्रिपोजिशन ऑफ टाइम में आने से हम क्या देखेंगे, दो चीजें बस आपको जानना, एक वॉच और एक कैलेंडर। वॉच पे क्या होता है, वॉच में हमको टाइम कैसे दिखता है, या तो आवर्स में, या मिनट्स में, या तो सेकेंड में, ये कंसेप्ट याद रखिएगा। वॉच में हमको टाइम कैसे दिखता है, या तो आवर्स में, घंटों में, या तो मिनट में, या तो सेकेंड में। और कैलेंडर में कैसे दिखता है, या तो ईयर्स में, या तो मंथ्स में, या तो डेज में, या तो डेट्स में, यही से पूरा कंसेप्ट है। अगर यार हमको वॉच हो तो हम क्या बिना सोच समझे एड लगा देंगे। थोड़ा एग्जांपल लेते हैं, पहले क्या है, द क्लास विल बी डैश मंडे, तो क्या लगा देंगे हम, आप लोग बताइए, ऑन मंडे। मंडे क्या है, मंडे क्या है, डेट है कि डे है, ठीक है, मंडे एक डे है ना, तो क्या लगा, मैं क्या लगेगा डेज में, यूज और लगा देंगे सिंपली बिना सोचे समझे। और नेक्स्ट, डैश 1947 वी गॉट इंडिपेंडेंस। 1947 क्या है, ईयर है, क्या लगा देंगे, इन लगा देंगे। सो अगला क्या है, वी विल बी डैश 3 o'clock। 3 o'clock क्या है, 3 o'clock क्या है, ऑन लगा देंगे, वी विल ऑन 3 o'clock। क्या ये सही है, वी विल बी ऑन 3 o'clock, बिल्कुल गलत है। वी विल बी इट, क्या भी पढ़ा था हमने, वॉच वाले में आवर्स, मिनट्स और सेकंड में क्या लगा देंगे, एट लगा देंगे। यहां पे फिर क्या, ऑन नहीं होगा, यहां पे एट लगा देंगे, क्योंकि रटने से नहीं, पूरा कंसेप्ट है, पूरा आपको कंसेप्ट बताया था वॉच वाले में, ठीक है, तो वही यहां पे फॉलो होता है। उसके बाद प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस इन या फिर एट, ठीक है, थोड़ा देखो इन एट का पता लिख के रखा है ऊपर, आई एम डैश कैंटीन इन माय स्कूल। देखो स्कूल एक पर्टिकुलर जगह है, पर यार स्कूल के अंदर भी कुछ है ना, वो पर्टिकुलर जगह है ना, तो मतलब पर्टिकुलर जगह, देखो इन हम लोग कहाँ यूज करते हैं, अगर वो चीज चारों तरफ से ढकी हो, जैसे अभी यहां बताया था, ही इज इन द बस स्टॉप। बस स्टॉप क्या है, चारों तरफ से ढका हुआ है, इनका इस्तेमाल चारों तरफ से जब चीज ढकी होती है तो करते हैं। एट का इस्तेमाल कब करते हैं, एट का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब कोई पर्टिकुलर जगह बता रही हो, जैसे आप लोग व्हाट्सएप पे स्टेटस लगाते हो, आई एम एट ताजमहल इन आगरा, वैसे, या फिर और कोई एग्जांपल ले सकते हो, जैसे यहाँ एग्जांपल है, आई एम डैश कैंटीन इन माय स्कूल, तो क्या लगाएंगे, आई एम एट कैंटीन इन माय स्कूल, सिंपल। नेक्स्ट क्या है, शी इज सिटिंग डैश द कार, एक कार है वो चारों तरफ से ढकी हुई है, तो चारों तरफ से ढके मतलब इन, तो मतलब क्या लगा देंगे, ही इज, शी इज सिटिंग इन द कार, बहुत सरल है। आई होप आपको कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है। अब अगली चीज जो आपको बहुत परेशान करती है, यूज ऑफ सिंस एंड फॉर, ये भी बताएंगे। सिंस और फॉर का यार क्या यूज होता है, यार सिंस का यूज होता है किसी डिफिनाइट टाइम को बताने के, किसी डिफिनाइट टाइम को बताने के लिए। फॉर का यूज होता है किसी इनडिफिनाइट टाइम को बताने के, पर पीरियड ऑफ टाइम को बताने के लिए।
सिंस कभी पीरियड ऑफ टाइम नहीं बताता है, वो एक डेफिनाइट टाइम बताता है। फॉर के बारे में थोड़ा जानते हैं, ये हम यूज करते हैं आर्ट्स के लिए, मिनट्स के लिए, ईयर्स के लिए, सेकंड के लिए, मंथ्स के लिए, और ये पर्टिकुलर टाइम के लिए। थोड़ा एग्जाम्पल लेते हैं, आई लिव इन दिल्ली डैश 2002। सोच के बताइए सिंस लगेगा कि फॉर लगेगा। ली आई लिव इन दिल्ली डैश 2002। और एक और कंसेप्ट है सिंस का कि यार ये कभी मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं करता है। इसकी आप अज्यूम करिए इसकी मैथ थोड़ी सी कमजोर है। किसकी? सिंस की थोड़ी करिए कमजोर है। तो और इसमें आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, ये यार मतलब ईयर को कैलकुलेट करना पड़ रहा है? नहीं करना पड़ रहा है, बस इसने डिफिनाइट टाइम बता दिया 2002, तो हम लोग सिंस लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि इसने डिफिनाइट टाइम बता दिया, कोई मैथमेटिकल कैलकुलेशन नहीं किया इसने। अगला क्या है? शी हैज बीन वर्किंग डैश 5 ईयर्स। इसमें क्या होगा? शी हैज बीन वर्किंग डैश 5 ईयर्स। इसमें हम फॉर लगा देंगे, फॉर 5 ईयर्स। ठीक है, नेक्स्ट, इट हैज बीन रेनिंग डैश 8 o'clock। 8 o'clock क्या है? एक डिफिनाइट टाइम है। ठीक है, 8 o'clock एक डिफिनाइट टाइम है, इसलिए हम इसके साथ सिंस लगाएंगे। आई होप आपको समझ आ रहा है। नेक्स्ट, ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर डैश मॉर्निंग। मॉर्निंग एक क्या है? मॉर्निंग भी एक पर्टिकुलर टाइम है, तो इसके साथ भी क्या लगेगा? सिंस लगेगा। अब आई होप आपको प्रीपोजिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि हमने डिस्कस किया इसका फुल कंसेप्ट। सो इस वीडियो में इतना ही, अगले मिलते हैं अगले वीडियो में।